हाय फ्रेंड्स, तो मैंने एक आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया है जो बिगिनर्स के लिए है और बिगिनर्स को दो या तीन टाइप के अलग अलग अलंकार जो है वो मैंने बताए हुए हैं। तो अब ये जो वीडियो है ये भी बिगिनर्स के लिए है, एट द सेम टाइम ये इंटरमीडिएट्स के लिए भी अप्लाई करता है। आप आलाप का जो रियाज करते हैं तो आलाप विस्तार जो होता है तो आलाप विस्तार का रियाज कैसे करना है, आलाप विस्तार क्या होता है, उसका मतलब क्या है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आलाप बेसिकली इज कि आप कोई भी फ्रेज अगर जब आप गा रहे हो सारे ओके, तो ये अगर मैंने आकार में गाई तो दैट इज कॉल्ड एन आलाप, बिकॉज मैं उसको आकार में ले रहा हूँ। ओके, और उसको विस्तार इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये जो बढ़त होती है वो बहुत ही विस्तारित पद्धति से होती है, बहुत ही विस्तारित टाइप से होती है। विस्तारित यानी बहुत चैन की लय में होती है वो, तो दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एन आलाप विस्तार। और बढ़त ये जो टर्म मैंने यूज़ की, तो बढ़त क्या है, बढ़त है मैं सा, तो ये दो अलग सा हैं, तो द मिडल ऑक्टेव सा एंड द अपर ऑक्टेव सा, तो इन दोनों सा के बीच की जो दूरी है उसके बीच में रे ग म प ध नी ये जो सुर है उसमें मैं अपनी बात कहूँगा, उसमें मैं अपनी अपना काम करूँगा और मैं आगे आगे धीरे बढ़ता जाऊँगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्रोग्रेसिंग ग्रेजुअली, तो उस मतलब से उसको बढ़त कहा जाता है। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आई होप ये आपको आपके रियाज में मदद करे। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रीच मी माई जीमेल आई डी इज लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन ऑलवेज रीच मी देयर। सो ये एक छोटी सी झलक मैं आपको आलाप की दे रहा हूँ, तो इसके ये वीडियो के साथ आप घर पर अपनी अपना रियाज भी कर सकते हैं। धनी सारे कर रहा हूँ मैं एकदम झटके से या यू नो इन अब्रप्ट मैनर मैं ऋषभ फिर गंधार फिर मध्यम ऐसे नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसमें फ्रीजिंग कर रहा हूँ और ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सारे ग म म ग म रे म म ग म रे आलाप विस्तार की या बढ़न की और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि आलाप विस्तार में सुरों पे ठहराव, एट द सेम टाइम उसमें प्रोग्रेशन या पैटर्न्स भी दिखने चाहिए। तो मैंने अभी ग म प म प ध, तो ये मैंने तीन सुरों का जो अलंकार है उसका एक पार्ट उसमें यूज़ किया। तो नेसेसरी ऐसे नहीं है कि आपको पूरा अलंकार ही उसमें गाना है,
आप यू कैन चूज अ पर्टिकुलर पार्ट, आप बढ़न्त में जहाँ तक पहुँचे हो वहाँ पे उस अलंकार का कोई पर्टिकुलर पोर्शन आप निकाल के उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बढ़न्त में ऐसे किया जा सकता है और ऐसे किया जाना चाहिए। ग म प म प ध प ध नी प म प ध नी नी ध नी द आ सा नी द नी प म प ध नी सा नी द नी प ध म म ग म आलाप की एक छोटी सी झलक थी। तो आई होप आपको ये आपके रियाज में मदद करेगी। यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस अलोंग विद दिस वीडियो, तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर वोकल कॉर्ड्स। एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और एज आई सेड बिफोर, मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड है, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो वहाँ पर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।